हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जो आपका मैट्रिक्स था, उसकी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें करना क्या आपको? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है आपको? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको ए का क्या फाइंड करना है? आपको ए का इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए का इनवर्स फाइंड करना है। आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगा ए, उसका क्या करना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको ए का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक। ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए मतलब ये है, जैसे मान लो मैं कहूँ आपके पास कि आपके पास तो पहले 2x2 की मैट्रिक्स है और एक 3x3 की मैट्रिक्स है। आपके 12th के सिलेबस में 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने को मिलता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ आपका, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पे 2, 3, 4, 5। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ए लो और आई में अगर आप ए की मल्टीप्लाई करो तो दोनों आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। अगर आप किसी भी ए में आई की मल्टीप्लाई करते हो या आई की ए में मल्टीप्लाई करते हो, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में, तो ये क्या होता है? ए के इक्वल होता है। तो आप इसी का यूज़ करके क्या करोगे? यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, और आई कितना रखोगे? जितने बाय जितने की हमारी मैट्रिक्स होगी 2x2 के, तो 1, 0, 0, 1। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस ए को सेम रखना है। इस ए को क्या रखना है? सेम रखना है। फिर आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इस ए को अब आपको क्या बनाना है? आई बनाना है। इस पूरे ए को क्या बना देना है? आई बना देना है। जो आई यहाँ पे है वैसा ही सेम टू सेम आई आपको यहाँ बनाना है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना हो कैसे करना, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस ए को क्या बना दिया? आई। जब आप इसे आई बनाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एक मैट्रिक्स बनेगी, और यहाँ भी हमारा यहाँ पे क्या है? ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कि आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। कि आपके अगर किसी भी ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई आप उसी ए वाले मैट्रिक्स में करते हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। इस वाले फॉर्मूले को आप लास्ट में लगाओगे तो जो आपका मैट्रिक्स यहाँ बनेगा, या अगर आप इसे आई बना रहे हो तो जो यहाँ बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका ए इनवर्स। क्या कहलाएगा? ए इनवर्स। यानी आपको दो ही फॉर्मूले यूज़ करने इसमें, कि एक तो ए इक्वल टू आई ए, फिर दूसरा आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके आपको क्या करना है? आई इनवर्स यानी सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना कैसे है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करना, जैसे मान लो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आपका कहलाएगा रो वन, ये कहलाएगा आपका रो टू। ठीक है, ये कहलाएगा आपका कॉलम वन, और ये कहलाएगा आपका कॉलम टू। तो इसमें दो टाइप की आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आती है। एक तो आता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि सिर्फ आप रो रो में ही चेंज करोगे, कॉलम में कुछ चेंज नहीं कर सकते। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप कॉलम में ही चेंज करोगे, रो में चेंज नहीं कर सकते। तो करना कैसे? जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी में देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, ये वाला हमारा मैट्रिक्स है। हमें इसको क्या बनाना है? आई बनाना है। क्या बनाना है? आई। तो आई का मतलब क्या होता है? कि जो पहला जो आपका एलिमेंट होना चाहिए वन होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं और मुझे इसको वन बनाना है, तो मैं इसको वन कैसे बना सकता हूं? इसको मुझे वन बनाना है तो मैं वन कैसे बना सकता हूं? एक तो तरीका ये होगा, जैसे मान लो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो पूरा जीरो हो जाएगा, तब चेंज नहीं कर सकते। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप R1 में क्या चेंज करो, जैसे ऐसे लिख सकते हैं R1 चेंज टू R1/2, कि आप इस R1 में 2 से डिवाइड कर दो। R1 में क्या कर दो? 2 से डिवाइड। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूँगा, देखो तो ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। हमने चेंज किस में किया? R1 में। तो इसका मतलब है कि R2 को आपको क्या करना है? सेम टू सेम लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो जो आपने चेंज यहाँ किया R1 में, वही चेंज आपको कहाँ करना पड़ेगा? जब इसमें आप सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपका चेंज होगा, जो आपका आई मैट्रिक्स जो आपका था, तभी तो आपको जाके ए इनवर्स बनेगा। तब चेंज करते रहेंगे, यानी जो चेंज आप इसमें करोगे वही चेंज आपको इसमें करना है। जो फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे वही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने क्या कर दिया? इसको वन बना दिया। अब वन के बाद क्या होता है? क्या मैं इसको जीरो बनाना था? एक ध्यान रखना कि अगर आप रो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, पहले आपको कॉलम को सेट करना है। और अगर आप कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो पहले आपको रो को सेट करना है। तो कॉलम में क्या आता पहले? 1 और 0। ये कॉलम हो गया तो 1 और 0, तो 1 तो बन गया, हमें इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ
और इस R2 के साथ क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। यानी अब इसके बाद मैं चेंज क्या कर सकता हूँ ऐसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस 4R1। यानी मैंने क्या किया, R1 में 4 से मल्टीप्लाई किया और R2 के साथ माइनस कर दिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो बन गया ना 1 और 0। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R2 टेंस टू R2 माइनस 4R1, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता R2 टेंस टू 4R2 माइनस R1। यानी आप जिसमें चेंज करोगे और उसके साथ किसी रो को माइनस या प्लस कर रहे हो, तो आप जिसमें चेंज कर रहे हो उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, जिसमें आप चेंज कर रहे हो अगर वो सिंगल लेते हो, सिंगल का मतलब जैसे मान लो मैंने कहा, जैसे यहाँ पे चेंज किया था हमने R1 में चेंज किया था, ये R1 में चेंज किया था, हमने क्या किया था R1 में डिवाइड कर दिया था 2 से। तो सिंपल आपने एक ही चीज़ लिया ना, कुछ माइनस प्लस नहीं कर रहे, तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और दूसरे रो को माइनस या प्लस कर रहे हो, तो जिसमें आप चेंज कर रहे हो ना उसमें आप कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये वाला रूल सही है, ये वाला रूल क्या आपका गलत है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। 2x2 और 3x3 दो ही तो टॉपिक बनते हैं आपके, तो मैं आपको दो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक 2x2 की, एक 3x3 की। इसी के बेस पे आपको जो पूरा एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर किसी चीज़ की भी दिक्कत होती है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको समझना है, फिर आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से एक एक करके। ठीक है बच्चों, जैसे आपको दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 3, 2, 7। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी इसको क्या करना, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हमें इसके ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ए इनवर्स की फाइंड करना है। ये 2x2 की मैट्रिक्स में सिंपल सा करना कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, मैं लगाता हूँ रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अगर जैसे देखो क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अगर बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं और उसने लिखा कि सॉल्व फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उसने डायरेक्ट ये बोला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप दोनों में से कोई सब लगा सकते हो, या तो रो से या फिर कॉलम से। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रो से लगाते हो तो पूरे क्वेश्चन में आपको रो ही लगाना है, कॉलम का यूज़ नहीं करोगे। अगर आप कॉलम का लगाते हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में कॉलम का ही लगाना है, रो का यूज़ नहीं करोगे। यानी किसी एक का यूज़ करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो आपने रो का लगाया फिर कॉलम में ईजी बनना है, 1 बन जाएगा 0 बन जाएगा तो लगा दें, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। यानी एक ही मेथड का यूज़ करना, या तो रो या फिर कॉलम, ठीक है। तो मैं कॉलम से कराऊंगा दोनों क्वेश्चंस को, आप चाहे तो उसके कॉलम सॉरी रो से मैं कराने वाला हूँ, आप चाहे तो कॉलम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि रो या कॉलम, उसने अगर स्पेशली बोल रखा है तो आप उसी से करोगे, अगर नहीं बोल रखा तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारा ये दिया हुआ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो हम ऐसा लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या होगा कि ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, 1, 3, 2, 7, और आई क्या रखना है, 2x2 की मैट्रिक्स रखनी है, तो 1, 0, 0, 1, और ए को आपको सेम रखना है, ठीक है यहाँ तक। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, पहला भी क्या है, 1 है, ठीक है यहाँ तक। यानी हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर दूसरा क्या बनाना है, हमें इसे 0 बनाना है, इसे क्या बनाना है, 0। तो मैं देखूंगा अगर मुझे 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस 2 को 0 बनाना है, तो मैं इस 2 को 0 कैसे बना सकता हूँ, इस रो का यूज़ करके। तो मैं अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसमें पूरे रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूँ, तो जैसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1, 2 से 2 हो जाएगा, और जब 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ये लगा सकते हैं कि आप R2 में चेंज कर रहे हो तो R2 माइनस 2R1, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। क्या कि आपने R2 में चेंज किया तो R2 टेंस टू क्या होगा, R2 माइनस 2R1। यानी आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसे R2 में से माइनस कर रहे हो, राइट। तो इसे कैसे कर लेंगे चेंज, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो हम R2 में चेंज कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो वो नंबर है उसको सेम रखना है, तो 1 और 3 सेम रखना है। यानी जिसमें आप चेंज कर रहे हो सिर्फ उसी में चेंज होगा, बाकी उसको सेम रखना होता है यहाँ भी और यहाँ भी। यानी जो चेंज आप यहाँ करोगे वही चेंज आपको यहाँ करना होता है, ठीक है, जो आगे चल के ये ए इनवर्स बनता है आपका, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 0 बनाया था, तो 0 हो गया। अब ये था 7,
यानी आर टू माइनस टू आर वन, और इसमें टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा, यानी सेवन में से सिक्स माइनस करना है, तो सेवन में से सिक्स माइनस करने कितना बचेगा वन। ठीक है यहाँ तक। अब सेम चीज़ यहाँ करो, हमने आर वन में कोई चेंज नहीं किया तो वन और जीरो सेम रहेगा, ठीक है। हमने इसमें चेंज किया है तो क्या किया, आर टू माइनस टू आर वन, यानी जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू यानी टू वन या टू हो जाएगा ना यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में रखें तो माइनस टू ही तो आएगा, और यहाँ पे क्या है वन, और माइनस टू इंटू जीरो यानी आर वन क्या है इसका जीरो है, तो टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, वन बचेगा, तो यहाँ क्या बच गया वन, और ये क्या आ गया आपका ए। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ मुझे क्या करना था, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, तो यहाँ तो वन वन चाहिए होता है, तो वन और वन यहाँ तो आ गया, तो इसका मतलब ये भी ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ आपने बना दिया ना आप कोशिश करके उसको चेंज नहीं करना, कोशिश करना कि वो चेंज ना हो, अगर आप कोई दूसरा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो जो बन चुका है उसको चेंज नहीं करना। देखो हमारे वन जीरो वन, वन जीरो वन आ गया, अब इसका मतलब क्या कि हमें इसको जीरो बनाना है, इस थ्री को क्या बनाना है जीरो, तो मैं इस थ्री को जीरो कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं इसमें वन में थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं जैसा भी हमने टू का किया था तो ये जीरो नहीं बन जाएगा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ आर वन में मुझे चेंज करना है और आर टू में थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देना है, तो जो अब आपका जो नया वो बनता है वो क्या बनना है आपका, वो ये बन जा रहा है कि आपको क्या करना है आर वन में चेंज करना है, आर वन टेंस टू आर वन माइनस थ्री आर टू, थ्री आर टू, यानी अब आर टू में थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आर वन में से क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो आर वन में माइनस कर रहे हैं ना, यानी आर टू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो और वन यानी जो आर टू है उसको सेम लिख दो, लिख दिया हमने। अब करते हैं चेंज, अब यहाँ पे आर वन, तो फॉर्मूला क्या बना है ध्यान दें, अगर आर वन माइनस थ्री आर टू, तो आर वन क्या है वन माइनस थ्री इंटू आर टू क्या है इसका जीरो, तो थ्री इंटू जीरो वन, यानी ये वन ही रहेगा, तो मैंने वही तो बताया था कि जिसको आपने बना दिया है पहले चेंज कर दिया है फॉर्म कर दिया उसको चेंज नहीं करना है, तो जीरो से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा कैसे कि थ्री माइनस ये हो जाएगा थ्री कैंसिल हो जाएगा जीरो, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। ठीक है, जो चेंज आपने यहाँ किया वही चेंज आपको ये इक्वल में करना है, तो आपने आर टू में कोई चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस टू और वन सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें चेंज किया है आपने, तो इसमें चेंज का मतलब क्या है कि वन यहाँ पे जो R1 है क्या है वन है, R1 क्या है वन, अब क्या किया R2 में टू से मल्टीप्लाई किया टू टू सा फोर हो जाएगा, और माइनस किया है ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस का फोर जो कितना आएगा फाइव, तो यहाँ आ जाएगा आपका फाइव, यानी जो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख रहे हो ना उसे रखते जाओ नंबर्स को सॉल्व कर जाओ। यहाँ पर देखो जैसे आर वन क्या है जीरो, अब R2 में टू से मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना है, यानी R1 क्या है जीरो माइनस टू इंटू वन, तो हो जाएगा जीरो माइनस टू जो कितना आ जाएगा माइनस टू, तो यहाँ आ गया माइनस टू और ये हो गया ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना पूरा वन जीरो जीरो वन, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, ए इनवर्स डॉट ए, यानी ए की ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर आप ए में करते हो तो वह आई के इक्वल आता है, सो ए इनवर्स इक्वल टू फाइव माइनस टू वन, तो ये हो गया आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है इसको, यानी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा यूज़ करना है, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लगाने हैं, बाय प्रैक्टिस आप इस अच्छे से कर सकते हो। अब देते हम थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स, तो ये अब इसको हम क्या करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेम वैसे जैसे आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि वी नो डैट जो आपका ए होता है वो क्या होगा आई ए के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे पहले टू माइनस थ्री थ्री टू टू थ्री थ्री माइनस टू टू, यानी आपको मैट्रिक्स को अच्छे से लिखना है क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है। अब आई रखना है आपको थ्री बाई थ्री की, तो थ्री बाई थ्री क्या होती है वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन, यानी आपका क्या होता है जो डायगोनल होता है क्या होता है वन वन होता है, बाकी सारे जीरो होती हैं, तो ये हो गया आपका ए। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो अब हमें करना क्या है कि इस ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना सेम इसके जैसा, यानी पहला एलिमेंट जीरो वन फिर ये वन फिर ये वन बाकी सारे जीरो होती हैं, तो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो आपको कॉलम को पहले सेट करना है, यानी पहले आपको इनको क्या करना है वन जीरो जीरो बनाना है, फिर आप यहाँ होगे फिर यहाँ होगे, कुछ ऐसे होते हैं जो नंबर्स आप साथ साथ करते रहोगे तो अपने आप ही बनते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें अगर मुझे इस टू को वन बनाना है तो मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ, या तो मैं ऐसा करूँ कि इस पूरे आर वन में टू से डिवाइड कर दूँ तो आपका वन बन जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स आते हैं ना कम से कम आए,
हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि फ्रैक्शन वाला नंबर आए ही ना, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है फिर डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में आगे चल के। तो वही चीज़ होता है कि अगर हम देखें यहाँ से, अगर मैं ध्यान से दूसरा देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जैसे ये है, अगर मैं थ्री में जैसे ये क्या दिया हुआ है कि अगर जैसे यहाँ पे टू है, अब मुझे इसे वन बनाना है, तो वन बनाने के मेरे पास तरीके क्या क्या हैं कि मैंने ये कहा कि मैं आर टू को आर वन में प्लस करता हूँ। मैंने क्या किया, आर टू को आर वन में प्लस करता हूँ, तो अगर मैं प्लस करूँ तो टू टू फोर हो जाएगा, और उसमें से मैं क्या करता हूँ आर थ्री को माइनस कर देता हूँ, अगर मैं फोर में से थ्री को माइनस करूँ तो वन बचेगा। यानी मेरा कहने का मतलब, मैं ट्रांसफॉर्मेशन इस पर क्या लगा रहा हूँ फॉर्मूला, कि मुझे आर वन में चेंज करना है, और आर वन टेंस टू क्या करना है कि पहले तो मैं कर रहा हूँ आर टू को प्लस, यानी मैंने क्या किया आर वन में आर टू को प्लस किया और उसमें से मैंने माइनस कर दिया आर थ्री। आप एक से दो भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जिसमें आप चेंज कर रहे हो उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे, अगर आप किसी को प्लस या माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कि आपने आर वन में प्लस आर टू को प्लस किया, यानी इसमें से आर थ्री को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हम एलिमेंट्री यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, यानी R1 में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि R2 और R3 सेम रहने वाला है, तो उसको लिख लेते हैं पहले कि 2, 2, 3, 3, -2 और 2, ये सेम रहने वाला है। अब R1 में हम चेंज कर रहे हैं, तो पहले तो हम प्लस करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ तक बच गया चलो 1, जिसको हम बना रहे हैं उसको हम लिख देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे करना है, यानी माइनस थ्री में प्लस करना है 2, फिर माइनस करना है आर थ्री, और ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे नंबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूले में जो भी है कि आर वन लिखा हमने आर थ्री, और प्लस किया आर टू, टू और आर थ्री माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे ना, और माइनस नंबर टू और है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस थ्री हो जाएगा प्लस फोर, थ्री में से फोर में से थ्री गया वन, तो यहाँ भी क्या बच गया वन। ठीक है, सेम यहाँ लिख लो कि 3 में प्लस किया 3, माइनस किया 2, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो जाएगा 4, तो यहाँ बन गया 4। ठीक है, सिंपल है, आपको यही आपको सेम यहाँ करना है, जो आप चेंज आपने यहाँ किया वही चेंज आप यहाँ करोगे, जो R1 और R3 सॉरी R2 और R3 वो सेम रहेगा, तो 0 1 0 0 0 1 ये सेम रहने वाला है। अब इसमें करते हैं चेंज, 1 में प्लस करना है 0, फिर माइनस करना है 0, तो ये 1 ही रहने वाला है। 0 में प्लस करना है 1, माइनस करना है 0, तो ये भी 1 ही रहने वाला है। ठीक है, 0 में प्लस करना है 0, माइनस करना है 1, तो ये जाएगा -1 और ये हो जाएगा a। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम तो अब क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1 बन गया, अब क्या करना है कि इस 2 और इस 3 को 0 बनाना है, इस 2 को और इस 3 को क्या बनाना है 0। आके अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन में 2 से मल्टीप्लाई करता था 2 बन जाएगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा R2 में से, तो 0 नहीं बन जाएगा। और अगले स्टेप में क्या कर लेंगे कि R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और हम माइनस कर देंगे R3 में से। तो मैं चाहूँ तो दोनों को एक साथ लगा सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना, अभी आप सीख रहे हो तो आपको क्या करना है एक एक करके ही लगाना है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ इसमें अब कि मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ R2 -2R1, यानी मैंने R2 में चेंज किया और क्या किया मैंने R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, देखो हम किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में ना, यानी R1 और R3 आपका सेम रहने वाला है, तो R1 और R3 को सेम लिख दो, तो हो जाएगा 1 1 4। ठीक है, 3 -2 2, तो 3 -2 2, ये सेम रहने वाला है। ठीक है, चेंज किस में कर रहे हैं, R2 में, तो आँख बंद करके इसे 0 लिख दो, हम इससे हमने इसे 0 बनाया ही है, तो इसको हम 0 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, और क्या किया फिर इसमें, अब यहाँ भी 1 में है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ भी आ गया आपका 0। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 2 8, और 3 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो कितना बचेगा, -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। ठीक है, यहाँ तक। अब जो आपका इधर वाला नंबर है उसको भी सेम ऐसे करना है, तो आपको क्या करना है R1 और R3 को सेम लिखना है, तो 1 1 -1 सेम लिख दो, 1 1 -1 सेम लिख दो, 0 0 1 सेम लिख दो, 0 0 1 सेम लिख दो। ठीक है, चेंज किस में किया, R2 में, तो R2 में लिख के R2 -2R1, तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, और 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, यहाँ लिख दिया -2। यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे क्या है 1, और आप इसमें क्या करो 2 से माइनस मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1, तो यहाँ आ गया -1। 0 में से क्या करना है -2R1, तो R1 भी माइनस है और माइनस करना भी, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2, और ये क्या हो गया आपका a। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको क्या करना है 3 को 0 बनाना है, तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या करोगे आप, फिर R1 में
थ्री से मल्टीप्लाई करके आर थ्री में से माइनस कर दो, तो क्या लिख सकते हैं कि आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, थ्री आर वन, यानी आप आर वन में थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आर थ्री में से माइनस कर रहे हो, तो लिख लेते हैं। यानी क्या किया, आर वन और आर टू में कोई चेंज नहीं है, तो वन वन और फोर सेम, जीरो जीरो माइनस फाइव सेम, ठीक है। चेंज करते हैं आर थ्री में, तो आप जीरो बना ही रहे हो तो इसे आँख बंद करके जीरो ही कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा रफली। आपने क्या किया, माइनस टू लिखा और माइनस करना है माइनस थ्री को, तो हो जाएगा माइनस का फाइव, क्या हो जाएगा माइनस का फाइव, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस फाइव, ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे थर्ड वाले में, तो हो जाएगा टू माइनस, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई किया तो फोर थ्री से ट्वेल्व, और ट्वेल्व में से टू माइनस करते हो जाएगा टेन, तो हो गया माइनस का टेन, ठीक है। यहाँ तक आइए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिख देते हैं, इसको सेम रखना है, आर टू को भी सेम रखना है, चेंज हमने किस में किया, आर थ्री में, तो आर थ्री पे आते हैं। अब जीरो में से माइनस करोगे माइनस थ्री को, तो ये माइनस थ्री आएगा क्योंकि हमने थ्री में से मल्टीप्लाई किया था इसमें। अब जीरो में से फिर करोगे माइनस थ्री, तो माइनस थ्री आ जाएगा। अब वन में से क्या करना है, वन में से माइनस करना है थ्री इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री और थ्री तो जाएगा फोर, तो यहाँ आ गया आपका फोर, ठीक है। यहाँ तक अब देखते हैं थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। अब ये वन जीरो जीरो आ गया, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो, यहाँ होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए वन, और यहाँ होना क्या है ना, क्या होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो अगर आपको इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करो, इसमें प्लस कर दो, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी में प्लस कर दे, प्लस का टेन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस का टेन, माइनस वाले प्लस का टेन बन जाएगा। चलो यहाँ तो जीरो बन गया, अब यहाँ जीरो बनने के बाद क्या करना है, अब हमें इसको वन बनाना है, इसको क्या बनाना है, वन बनाना है। तो इसको हम वन कैसे बना सकते हैं, इसको वन बनाएंगे, अगर मान लो अगर इसको हम इसमें प्लस करेंगे तो इसमें भी ये भी प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, जो चेंज हुआ है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वन बनाने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, जैसे ये है, कैसे कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, यानी ये जो आपका आर थ्री है, अब इसमें थोड़ा सा ये लगा लेते हैं कि जो आपका ये आर थ्री है और ये आर टू है, तो मैं ऐसे ना कर दूं कि आर थ्री के प्लेस पे आर टू कर दूं और आर टू के प्लेस पे आर थ्री कर दूं, इनको इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं इनको इंटरचेंज। इंटरचेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि ये आपका माइनस फाइव यहाँ पहुँच जाएगा, फिर हम आगे चल के माइनस फाइव से हम इसमें डिवाइड करके हम इसे वन बना सकते हैं, एक तरीका बनना है, लेकिन और कोई तरीका नहीं बनना है इसे वन बनाने का। अगर मान लो आप इसे यहाँ इंटरचेंज करो तो ये भी वन हो जाएगा, तो हमने तो गलत कर दिया, लेकिन यहाँ पे करेंगे चेंज तो जीरो रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे इंटरचेंज कर लो, कैसे इंटरचेंज कर लो कि आपने क्या किया, आर टू इंटरचेंज कर लिया आर थ्री के साथ, आर टू को इंटरचेंज कर लिया किसके साथ, आर थ्री के साथ। तो आप इसे लिख लो, आर वन में कोई चेंज नहीं किया तो वन वन फोर हो गया, अब यहाँ पे आर टू के प्लेस पे आर थ्री आ जाएगा, तो जीरो माइनस फाइव माइनस टेन हो जाएगा, जीरो जीरो माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ तक आगे सॉल्व करते हैं, तो ये भी इंटरचेंज कर लेंगे, तो वन वन माइनस वन, अब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री फोर, हो जाएगा माइनस टू वन टू, ठीक है, और ये हो गया ए, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चा था आपका, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अब मुझे क्या करना है, वन जीरो जीरो बन गया, इसको जीरो बनाना है, इसको वन बनाना है, इसको जीरो बनाना है। तो इसको वन बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं इसमें आर टू में माइनस फाइव से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, माइनस फाइव से डिवाइड करूँ, तो माइनस फाइव से माइनस फाइव कैंसिल, वन बचेगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ कि आप आर टू में चेंज कर रहे हो क्या, आर टू डिवाइड बाय माइनस फाइव, आर टू डिवाइड बाय माइनस फाइव, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास कोई तरीका है नहीं बनाने का, जिसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें डिवाइड हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं, तो वन वन फोर सेम, इसमें चेंज करेंगे, अगर मैं जीरो में फाइव से डिवाइड करूँ जीरो ही रहेगा, ये वन बन जा रहा है, अगर मैं माइनस फाइव को डिवाइड करूँ माइनस टेन में, तो माइनस टेन डिवाइड बाई माइनस फाइव, तो फाइव टू जो टेन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया टू, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो जीरो माइनस फाइव, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक सेम ऐसे यहाँ पे वन वन माइनस वन, इसमें डिवाइड करेंगे माइनस फाइव से, तो हो जाएगा थ्री बाय फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी जाएगा थ्री बाई फाइव, ये हो जाएगा माइनस फोर बाई फाइव, ठीक है, और हो जाएगा माइनस टू माइनस वन टू सेम, ये हो गया ए, हो गया यहाँ तक। अब देखो, देखो डायगोनल को हमें क्या बनाना होता है, वन बनाना होता है,
तो अगर मैं अब इसको 1 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम दोबारा से मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, R3 में डिवाइड करना पड़ेगा -5 से। तो सेम यही करेंगे अब कि R3 में दोबारा से हम डिवाइड करते हैं किससे, -5 से, यानी R3 में डिवाइड करना है आपको कितने से, -5 से। आप चाहते तो यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं एंड करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 1 1 4 0 1 2 0 0 ये हो जाएगा 1, इसको हमने 1 बनाया, ठीक है। R3 में चेंज करना, तो R1 और R2 सेम रहने वाला है, 1 1 -1 3/5 3/5 -4/5 तो हो जाएगा -2/5 1/-, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/5 प्लस का 1/5 फिर हो जाएगा माइनस का 2/5, क्योंकि हमने -5 से डिवाइड किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, ये 1 0 0 आ गया, अब यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, और यहाँ भी दोनों क्या होना चाहिए 0, तो यानी अब इस तीनों को हमें 0 बनाना है। तो इन तीनों को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या करूँ कि मैं इसको इसमें माइनस कर दूँ, इस R2 को R1 में माइनस करूँ, अगर मैं इसमें करूँगा माइनस, तो 1 में 0 माइनस करें तो 1 ही रहने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, अब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो हम चेंज कर रहे हैं किसमें, R1 में, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है, यानी R1 में R2 को हम माइनस कर रहे हैं, तो R1 में चेंज कर रहे थे तो 1 ही रहने वाला है, ये 0 हो जा रहा है। अब R1 में से R2 को माइनस करें, तो 4 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ बचेगा 2, बाकी आपका सेम रहने वाला है, तो 0 1 2 0 0 1, ठीक है, यहाँ तक सेम। ऐसे इसमें करोगे तो 1 में से माइनस करना है 3/5 को, तो वही चीज़ है कि आपके फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ गए, तो आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ कर लेते हैं कि 1 में से माइनस करना है 3/5 को, तो एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5 - 3 जो कितना जाएगा 2/5, ठीक है, क्या लिख लेते हैं 2/5। फिर 1 में से माइनस करना 3/5 को, तो सेम वही 2/5, -1 में से माइनस करना है -4/5, तो क्या हो जाएगा, -1 में से माइनस करना है तो प्लस का 4/5 हो जाएगा ये, तो यहाँ आएगा -5 + 4/5 हो जाएगा -1/5, ठीक है, तो हो जाएगा -1/5। R1 में चेंज किया था सिर्फ, और R2 और R3 को सेम रखना, 3/5 3/5 और -4/5, ठीक है। फिर यह हो गया आपका 2/5 1/5 और -2/5, ये आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए हम यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए आप क्या करो, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, वो इससे भी माइनस करो और इससे भी माइनस करो, दोनों से करेंगे ना, कोई असर तो आने वाला नहीं है। तो यानी क्या है कि आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, चलो अब इस बार हम दोनों लगाते हैं, दोनों कैसे लगाएंगे देख लेंगे इससे भी हम। क्या आपको क्या करना है, R1 में चेंज करना है R1 टेंस टू -2R3, यानी अपने R3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 में से माइनस कर दिया, तो 2 और -2 0 हो जाएगा ये। एंड आप R2 में चेंज कर रहे हो R2 टेंस टू 2R3, कि मैंने क्या किया, R3 में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस कर दिया, दोनों एक साथ लगा सकते हैं, तो दोनों को एक साथ लगाएंगे हम इस बार, ठीक है। तो इसका मतलब R3 में कोई चेंज नहीं, तो 0 0 ये 1 सेम रहने वाला है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 0 0, इसको 0 ही बनाया था हमने, ये हो जाएगा 0 1 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आने वाली है बच्चों, यहाँ आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, अब R1 को हमें क्या करना है, R1 और R2 को चेंज करना है, R1 और R2 को, तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे आसानी से हम रफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, R1 में क्या करना है, R3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या है, पहला एलिमेंट लेते हैं R1, कितना है 2/5, माइनस करना है 2R3, तो 2/5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 नहीं हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 5, ऊपर बचेगा 2 - 4 जो कितना हो जाएगा -2/5, तो यहाँ बचेगा आपका -2/5। फिर 2/5 और माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2/5 में माइनस करोगे 2/5 को, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये, तो जा गया आपका 0, सिंपल सिंपल सा। -1/5 में से माइनस करना है -2/5, और मल्टीप्लाई करना है 2 से, और है ना 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 4 हो जाएगा और -- प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 4/5, एलसीएम आ जाएगा 5 से, -1 + 4 तो हो जाएगा 3/5, 3/5 कितना आ गया 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/5, ठीक है। अब करना है R2 में चेंज,
उसे भी टू से मल्टीप्लाई करके आर थ्री में, तो थ्री बाई फाइव में से माइनस करना है फोर बाई फाइव को, तो एलसीएम फाइव सेम, थ्री माइनस फोर तो जगह माइनस वन बाई फाइव, क्या लिख देंगे माइनस वन बाय फाइव। फिर थ्री बाई फाइव में से टू बाई फाइव को माइनस करना है क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो थ्री बाई फाइव में से टू बाई फाइव को माइनस करना है, थ्री बाई फाइव में से टू बाई फाइव को माइनस करना है, तो एलसीएम फाइव थ्री माइनस टू कितना जाएगा वन बाय फाइव, तो हो गया वन बाय फाइव। माइनस फोर बाई फाइव में से माइनस करना है माइनस टू बाई फाइव, तो टू से मल्टीप्लाई भी होगी तो कितना जाएगा फोर, तो माइनस फोर बाई फाइव में से प्लस करना है फोर बाई फाइव, क्योंकि हमें माइनस करना ऑलरेडी और माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया जीरो। ठीक है तक, पर आर थ्री में कोई चेंज नहीं आया, तो टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव और ए। और हम जानते हैं कि जब आपका आई होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स ए के इक्वल होता है, तो जो ये वाला नंबर आ गया आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ओके बच्चों, तो बच्चों अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं चैप्टर थ्री को, मैट्रिक्स को आपका चैप्टर जो होता है खत्म होता है। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए पूरी प्लेलिस्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से शुरू से देखिए, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आपके नंबर कंटेन करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए, इसमें कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत हमें बेसिक समझना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप बचपन से करते आ रहे वही करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बच्चों अगर आप वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन में प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।